नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस वर्सेज होम लोन प्रोटेक्शन प्लान HLPP। तो जब भी कोई व्यक्ति होम लोन लेता है तो बैंक उसको बोलते हैं कि आपको कंपलसरी उसके सामने इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या कंपलसरी है कि नहीं है? होम इंश्योरेंस और होम लोन इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है? टर्म इंश्योरेंस और HLPP में क्या फ़र्क है? उसके डिफरेंशिएट अपन जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि होम इंश्योरेंस अनिवार्य हो सकता है, होम लोन इंश्योरेंस इज नॉट कंपलसरी। अगर कोई भी बैंक या बैंक का मैनेजर या बैंक का कर्मचारी आपको ये कहता है कि अगर आप हमसे होम लोन ले रहे हो तो आपको होम लोन इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, तो उनको बोलिए कि आप राइटिंग में बताइए कहाँ लिखा हुआ है, या आप गूगल भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। दूसरा, मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट बता देता हूँ कि होम इंश्योरेंस और होम लोन इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है। होम इंश्योरेंस होता है जो आपके घर में फर्नीचर है, मान लो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक में आपके घर को नुकसान पहुंचा या थेफ्ट हो गई, चोरी कर ली किसी ने, तो होम इंश्योरेंस काम लगता है। और होम लोन इंश्योरेंस जो होता है वो सिर्फ लोन के अमाउंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो होम लोन इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, होम इंश्योरेंस कुछ बैंक बोल सकते हैं कि मैंडेटरी हो सकता है, ठीक है? अब इन दोनों में अब मुद्दे की बात पे आता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या होम लोन प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहिए, दोनों में से आपके लिए बेनिफिशियरी कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं पहला फीचर बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस HLPP से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, चीपर होता है। वो किस तरीके से होता है मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको सिंगल प्रीमियम में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो आपने 50 लाख का होम लोन लिया तो शायद 2 लाख रुपये आपको एक साथ में पैसा देना पड़ जाएगा। अगर आप एक साथ नहीं दे रहे हो तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, 52 लाख रुपये हो जाएंगे, और फिर उस 52 लाख के ऊपर आपको किस्त भरनी पड़ेगी। यानी कि आप उस इंश्योरेंस के ऊपर भी ना इंटरेस्ट पे करो टेक्निकली, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो जैसे जैसे आप पैसे भरते रहेंगे, मान लो आपने थोड़े सालों बाद में 20 लाख रुपए तक पे कर दिए, तो अब आपका अगर डेथ हो जाती है तो घर वालों को सिर्फ 30 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि और वो भी 30 लाख रुपए घर वाले सिर्फ और सिर्फ होम लोन पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं, बाकी किसी चीज़ में यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि टर्म इंश्योरेंस में अगर 50 लाख का बीमा कवर है तो भले 10 साल बाद में भी डेथ होगी तो 50 लाख मिलेंगे, और वो घर वाले उसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, होम लोन में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन मैरिज में यूज कर सकते हैं, घर के डेली खर्च में भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको होम लोन का जो इंश्योरेंस है वो होम लोन के अमाउंट तक ही मिलेगा। मान लो आपने 50 लाख का लिया तो 50 लाख का ही आप कवर ले सकते हैं, लेकिन अब टर्म इंश्योरेंस आप 1 करोड़ का भी ले सकते हैं, 2 करोड़ का भी ले सकते हैं। अगर मान लो 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, डेथ हो गई, घर में लोन लिया हुआ था 50 लाख का, 50 लाख से लोन चुका दिया, बाकी 50 लाख घर पे यूज में आ गए, ठीक है? तो वो बेनिफिट हो सकता है। तीसरा है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सपोज आपने लोन ट्रांसफ़र करवाना, एक बैंक से लिया था, अब दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो मान लो आपने 2 लाख रुपये जो शुरू में दिए थे ना इंश्योरेंस के, वो आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। और जिस दूसरे बैंक पर आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको फिर से वो बोलेंगे आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और फिर से आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, जबकि टर्म इंश्योरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरा है कि अगर कभी आपके पास पैसे ज़्यादा है या आपने फोर क्लोज कर दिया, मान लो आपको 20 साल का वो होम लोन था, आपने 10 साल में पूरा पैसा दे दिया, तो जो 20 साल के लिए आपने टर्म प्लान का जो आपने होम लोन का पैसा भरा है तो वो तो 10 साल में दिया है, तो आपको 10 साल तक ही आपका पैसा कटना चाहिए और आपको रिफंड मिलना चाहिए, तो वो भी वो रिफंड नहीं करते हैं, भले ही आपने 20 साल की जगह 10 साल में पूरा पैसा चुका दिया हो, ठीक है? तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिस बैंक में आप जा रहे हो, जहाँ से आप होम लोन ले रहे हो, वो जो आपको लोन का किस्त बता रहा है आपको वही लेना पड़ेगा, आप दूसरे बैंकों के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। जबकि टर्म इंश्योरेंस में आप 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है सबसे कंपेयर करिए, सबसे सस्ता जिसका प्रीमियम है वो ले सकते हैं, और टर्म इंश्योरेंस आपको सिंगल प्रीमियम भी नहीं लेना है, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप हर साल वाला ले सकते हैं, सिंगल प्रीमियम भी ले सकते हैं, आप महीने महीने प्रीमियम भी भरना चाहे तो भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टर्म प्लान लिया हुआ है, आप ना दूसरे बैंक में जाकर के अपना लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपका तो वो कंटिन्यू चल रहा है। नहीं तो अगर वहाँ पे और दूसरे बैंक में अगर आप जाते हैं, आपको फिर से लोन के अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस लेना पड़ जाता ना, तो एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। फिर आप राइडर अगर लेना चाहते हो तो आप उसमें भी होम लोन के अगेंस्ट भी राइडर ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस में भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो दोनों ATC के अंतर्गत ही आता है। अब इनकम टैक्स में क्या है कि आपको अगर होम लोन वाला है ना, वो सिर्फ सिंगल प्रीमियम ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ गया है
तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको टैक्स बेनिफिट देना है तो बैंक से आपको हर साल जाकर रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एडीसी में बेनिफिट दिखा सकते हैं। जबकि टर्म प्लान में आप हर साल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, जबकि सिंगल प्रीमियम में तो एक ही साल आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना, 20 साल तक लगातार नहीं मिलेगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हो गया कि आपका कम प्रीमियम आ रहा है, कंपलसरी भी नहीं है, आप वहाँ लोन के सामने लोन के जितने इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस में आप कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस किसी ने भी होम लोन लिया है या फ्यूचर में लेने वाले हैं तो आप ज़रूर कंपेयर करिए, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको कोटेशन दे दूंगा। मेरा नाम अनिल राजपूत है, मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। और अगर फिर भी बैंक ज़बरदस्ती आपको इंश्योरेंस दे देता है तो एक आइडिया देता हूँ, आप उनसे ले लीजिए। आपके घर पर जब वो पॉलिसी आए, 15 दिन आपके पास फ्री लुक पीरियड का होता है, आप वापस से इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, वो पॉलिसी फ्री लुक करवा के पैसे वापस ले लीजिए। थैंक यू सो मच।